आज हम लोग राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2021 के सामाजिक विषय का हल देखेंगे। आए देखें, पहला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर लुम्बिनी है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न, सम्राट अशोक के पिता कौन थे? इसका उत्तर बिंदुसार, चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार थे और बिंदुसार के पुत्र अशोक। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के शासनकाल में अधोलिखित में कौन भारत आया? वेनसांग, चीनी यात्री वेनसांग भारत आया, जिनके विवरण से हर्षकालीन समाज एवं संस्कृत का अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। वेनसांग ने अपनी यात्रा विवरण के ऊपर एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम सी यू की। अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? इसका उत्तर रजिया सुल्तान, एकमात्र शासक जो 1236 से 1240 ईस्वी में शासन किया। अगला प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 1526 में लड़ा गया, जो दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया और इसी से मुगल वंश की स्थापना हुई। और अगला प्रश्न, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना किया 1582 में। सभी धर्मों को एक सार संग्रह के रूप में दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही, या इसको और नाम दें तो दैवी एकेश्वरवाद नामक धर्म का स्थापना किया। इसे राजकीय धर्म भी अकबर ने घोषित किया था। अगला प्रश्न, सिख धर्म की स्थापना किसने किया? सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक ने किया था, गुरु नानक देव। अगला प्रश्न, अधोलिखित में सबसे महानतम पेशवा कौन था? बाजीराव प्रथम। बाजीराव मराठा शक्ति को प्रदर्शन हेतु दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। मात्र 3 दिन की दिल्ली प्रवास के दौरान उसके भय से मुगल सम्राट मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गया। तो बाजीराव प्रथम सबसे महानतम पेशवा थे। अगला प्रश्न, प्लासी के युद्ध में कौन पराजित हुआ? प्लासी का युद्ध में सिराजुद्दौला, इसका उत्तर सिराजुद्दौला है। 1757 में अंग्रेजों एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ। अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड क्लाइव, जो बिना युद्ध किए ही जीत गया, मीर जाफर की गद्दारी इसमें थी। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद का नाम नरेंद्र नाथ दत्त है। 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। पहले मठ की स्थापना कलकत्ता के समीप बराह नगर में की गई, तत्पश्चात बेलूर मठ कलकत्ता में किया गया। अगला प्रश्न, ब्रिटिश भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ थी? इसका उत्तर कलकत्ता। 1911 में ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम के आदेश से दिल्ली राजधानी लाया गया। अगला प्रश्न, गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? इसका उत्तर सुभाष चंद्र बोस। 4 जून 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के रेडियो से एक संदेश प्रसारित कर गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा। महात्मा की जब बात आती है, गांधी जी ने महात्मा किसने कहा? तेराज वैद्य जीव राम कालिदास। दूसरा मत है कि स्वामी श्रद्धानंद जी ने, और तीसरा मत रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? इसका उत्तर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला प्रश्न, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? इस समय 8 ग्रह हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन वी आकार की घाटी की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? तो इसका उत्तर नदी होती है, नदी। युवा नदियाँ जब तेजी से प्रवाह करती हैं तो वी आकार की घाटी का निर्माण करती हैं। भारत में निम्नलिखित नदियों में से कौन दक्षिण की गंगा के रूप में जानी जाती है? इसका उत्तर गोदावरी है। गंगा भारत की बड़ी नदी है, उसी तरह से गोदावरी दक्षिण प्रायद्वीप की बड़ी नदी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में सुंदरबन के रूप में जाना जाता है? इसका उत्तर मैनग्रोव है।
अगला प्रश्न, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी, इसका उत्तर है काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा की स्रोत नहीं है, इसका उत्तर जल विद्युत। अगला प्रश्न, नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है, यह कृष्णा नदी पर स्थित है जो आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न, दिन और रात बराबर होते हैं, तो दिन और रात 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। 21 मार्च के बाद दिन बड़ा होने शुरू हो जाता है और 23 सितंबर के बाद रात बड़ी होने लगती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन गर्म जलधारा है, इसका उत्तर गल्फ स्ट्रीम जो गर्म जलधारा है, और लेब्राडोर, कनारी, बेंगुला ठंडी जलधाराएं हैं। अगला प्रश्न, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार की, जिसमें 1106 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। पश्चिम बंगाल में 1028 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर, उत्तर प्रदेश में 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, केरल में 860 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की है, 11320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कौन खरीफ की फसल है, इसमें खरीफ की फसल धान है, सरसों, गेहूं, मटर जो अक्टूबर और नवंबर में बोए जाते हैं, ये खरीफ की फसलें हैं। अगला प्रश्न, दक्षिणी अमेरिका एवं अफ्रीकी महाद्वीप के मध्य स्थित महासागर का नाम दक्षिणी अटलांटिक महासागर है, इसका उत्तर दक्षिणी अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति कौन हैं, इस प्रश्न को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो अब ये प्रश्न आएगा तो द्रौपदी मुर्मू नाम होगा, इसमें आप द्रौपदी मुर्मू भरेंगे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, तो भोजपुरी अभी भी 8वीं अनुसूची में नहीं है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा, इसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के आचरण को प्रतिबंधित करता है, अनुच्छेद 17, यह समता के अधिकार को एक विशेष क्षेत्र के लिए लागू करता है और अस्पृश्यता के अंत की घोषणा करता है। अगला प्रश्न, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई, 1951 में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में पहली पंचवर्षीय योजना को प्रस्ताव रखा था, और प्राथमिकता इसमें प्राथमिक क्षेत्र के विकास दर पर थी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, यह वर्तमान में मुंबई है। 1 अप्रैल 1935 की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। प्रारंभ में केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में था जो 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। अगला प्रश्न, सुरेश तेंदुलकर समिति संबंधित है, यह गरीबी रेखा से संबंधित है।